हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी उसमें फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो उससे रिलेटेड होगा, उस कंडीशन से जिसमें केवल फर्स्ट जो न्यू पार्टनर है उसका केवल शेयर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, साथ में केवल ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, दो चीज़ें दी हुई है। तो हमको क्या करना है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3-1, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट एनपीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसमें दिया हुआ है कि ए और बी का रेशियो 3:1 और सी का रेशियो 1/4 है और आपको नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले हमको जो टोटल प्रॉफिट है उसको 1 मानना है, ठीक है? जो टोटल प्रॉफिट है उसको 1 मानना, उसमें से नए पार्टनर का जो शेयर है वो माइनस करना है। सबसे पहले जो भी नए पार्टनर का शेयर है वो माइनस कर लो और उसके बाद जो बच जाता है शेयर उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो जो भी ओल्ड रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। सबसे पहले हमको लिखना है लेट द टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर है 1/4, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसमें से सी का शेयर माइनस करना है। तो सी का शेयर माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट है 1-1/4=3/4, ठीक है? ये माइनस करना आता है आपको, एलसीएम लेके कर सकते हो और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो फ्रैक्शन होते हैं उसमें एलसीएम से माइनस करना पड़ेगा, एलसीएम लेके, तो आएगा 3/4। 1 में से अगर 1/4 माइनस किया तो 3/4 बचेगा। अब आपको निकालना है न्यू रेशियो। तो जो न्यू रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें क्या करना है, जो बचा हुआ रेशियो है ये उसको दोनों पार्टनर अपने अपने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो 3/4 बचा है तो उसमें से ए को मिलेगा 3/4 × 3/4 यहाँ जो है ये ओल्ड रेशियो है इसका 3 और 1, तो इसका रेशियो कितना है 3/4 हो गया और इसका हो गया 1/4। इसके इनकी दोनों की प्लस जो आ रही है 4 आ रही है तो वो नीचे आ जाएगी और ये रेशियो ऊपर आ जाएगा। तो 3/4 तो ये रहा और 3/4 यहाँ से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16। तो ये ए का शेयर हो गया 9/16। फिर वापस 3/4 लिखा और बी का शेयर है 1/4, जो ओल्ड है वो 1/4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 × 3 और 4 × 4 = 16। अब सी का शेयर कितना है 1/4, लेकिन इन दोनों के जो है यहाँ नीचे जिसको डिनोमिनेटर बोल रहे वो आ रहा है 16। इसका डिनोमिनेटर भी 16 है, इसका भी 16 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है 1/4। तो इसको 4 की जगह भी हमको क्या लिखना है 16, ठीक है? तो यहाँ जब इसको 16 बनाना है, इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो जब लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों नंबर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, सेम टेबल से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 हो सकता है, तो 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले नंबर को जो है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 भी होगा। तो 1/4 को हमने 4 × 4 किया तो आ रहा है ऊपर 1 × 4 = 4 और 4 × 4 = 16। तो जो नया रेशियो आया वो आया 9:3 और 4, 9:3:4, ठीक है? इनको प्लस करने पर कितना आएगा 16। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें केवल न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 1 मानना है, उसमें से सी का शेयर जो भी नया पार्टनर उसका शेयर माइनस करना है, जो बच जाता है उसको डिवाइड कर दो ओल्ड रेशियो में, ठीक है? जो बच जाता है शेयर उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। अब है कंडीशन नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, जब नए पार्टनर को उसका जो शेयर है जैसे 1/4 है जो भी वो इक्वली देते हैं, दोनों आधा आधा देते हैं, ठीक है? जो बचे हुए पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर वो इक्वली देते हैं आधा आधा। तो उसमें क्या होगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 7:5, ए और बी का रेशियो 7:5, दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर, उन्होंने नया पार्टनर लिया सी उसका शेयर है 1/6 विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। 1/6 जो शेयर है वो ए और बी से दोनों से इक्वल ले रहा है वो, यानी आधा आधा ले रहा है। फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता लगाना है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है।
अब वो आधा आधा तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1/6 जो है उसका आधा आधा कितना होता है ये पता लगाना है पहले। C का शेयर कितना, 1/6, उसका आधा आधा कितना होता है वो पता लगाना है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो इसमें इक्वली दे रहेगा, इसका मतलब 1:1 है। तो A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6 का आधा, तो 1/6 × 1/2, आधे हाफ को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। तो 1/6 का आधा कितना होगा, 1/12, 1/6 × 2, 12। B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6 × 1/2, 1/12, दोनों आधा आधा कर रहे हैं। तो 1/6 का आधा कितना होता है, 1/12, 1/12, ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमको फॉर्मूला लगाना है न्यू रेशियो का। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो तो ये दिया हुआ है हमको 7:5, यानी तो पहले ए का पता लगाते हैं। न्यू रेशियो ए का हो गया 7/12 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/12। तो 7/12 माइनस 1/12 तो हो गया 7-1, जब दोनों सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं। तो आपको एलसीएम लेके नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हो 7-1, 6/12। 5/12 माइनस 1/12, 5/12 और 1/12 को माइनस किया तो 4/12। इसमें भी वही करना है, सी का शेयर दे रखा 1/6, लेकिन इन दोनों के नीचे यहाँ रहा 12, ठीक है, इन दोनों के नीचे 12 आ रहा, तो इसको भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के, तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को 2 से किया तो आ रहा है 2/12। तो यहाँ पे लिखना है न्यू रेशियो 6/4/2। अगर ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो तो कर सकते हो, 6/4/2 तीनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया 3, इसको किया तो 4/2, 4 को किया तो 2 और 2 को किया तो 1, तो 3:1 जो न्यू रेशियो है वो है 3:2:1। तो ये दो कंडीशन हमने पढ़ी अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट करने से रिलेटेड, बाकी की जो कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।